के लिए थे। इसके पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एक महीना पहले, मैंने फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुँचे, मैसेज पहुँचे, लोग कॉन्टेक्ट करें, लोग मेरे माध्यम से, आप लोग के माध्यम से मेरे पास पहुँचे। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य वही है कि लोगों की जानकारी हो, ये नहीं कि मैंने बुक रख कर करके और लोगों को सम्मानित कर दिया। कल के डेट में लोग बोले कि नहीं हमको जानकारी नहीं था, हमको जानकारी नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य, मेन उद्देश्य वही है कि अधिक से अधिक लोगों के पास में जानकारी है, मैसेज जाए और लोग पहुंचे। कैसे भी पहुंचे, क्या मतलब कोई वेबसाइट, मोबाइल नंबर कुछ होगा ना इस तरह? कहां मोबाइल नंबर आप लोग नोट कीजिए, 9631455377। इस नंबर पर जो है कांटेक्ट जो है कि लोग कर सकते हैं। एक बार बोलिए, एक बार 9631455377। इस मोबाइल नंबर पर लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लोग चाहें कि हम इस योग है और हम इस मंच पर आकर के सम्मानित होना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति इस नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे पास आएंगे, उन लोग भी जरूर सम्मान किया जाएगा, उस अनुसार उनको प्रोफाइल होगा। मैंने एक एक को ऐसा ऐसा प्रोफाइल आया हुआ है कि एक एक व्यक्ति के 200-200 पेज है, 250-250 पेज है, किसी एंगल से उसको आपको काट नहीं सकते। लेकिन किसका 2 पेज है, 3 पेज है, देखावटी वाला समाज से भी एक होता है, और वास्तव में लोग समाज सेवा करते हैं, वो पेपर देखने से लोगों को पता चलता है कि अथेंटिक क्या चीज है। तो मैंने वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करके सम्मानित करने का काम कर रहा हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जो है पद्मश्री नारी गुंजन का निर्देशक सुधा बर्गी जी उपलब्ध है, और इसमें समाज से भी डॉक्टर नम्रता आनंद दीदी जी फाउंडेशन का संस्थापक उपस्थित हैं, और हमारे वरीय गार्जियन पद्मश्री डॉक्टर बिमल जैन जी उपस्थित हैं, और मैं ये सभी लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कर करके और अपना बहुमूल्य समय, और आप लोग भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके दिए समाज में, या समझे गरीब से गरीब है, सबों में सेवा में लगे हुए लोगों का विशेष रूप से उपस्थिति होंगे, और शायद उनको अपना काम के बारे में कुछ बताने का भी मौका होंगे, या कुछ सवाल करेंगे आपने क्या 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 काम करके, और इनमें का लोग हैं जो पद्मश्री से अवार्ड से सजाए नवाज किए हुए हैं, तो ये एक विशेष अवसर है, एक विशेष अवसर जहाँ समाज, सरकार और लोग जो विशिष्ट सेवा किए हैं, वे लोग उस दिन का सम्मान समारोह में भाग लेंगे और अपने उपस्थिति से समाज को और बिहार को ये संदेश देंगे कि बिहार में कई ऐसा फील्ड है जहां हम लोग विशिष्ट सेवा दे सकते हैं। ऐसे स्वास्थ्य के फील्ड में आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। हम लोग पहले सोचते थे मेंटल हेल्थ माने जो बैलेंस, जिनका बैलेंस खो गया, या समझिए एक तरह से थोड़ा हम लोग बोलते हैं पागल हो गया, नहीं, हम सबों को मेंटल हेल्थ की जरूरत है। जो सब तो पागल नहीं है, उधर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम सबों को मेंटल हेल्थ का भी जरूरत है। ये दिखाते हैं कि समाज में जो संतुलित रूप से माहौल होना चाहिए वो धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, तो बहुत लोगों को टेंशन, तनाव में ज़िंदगी बिताना पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य है, और जिनको बीमारी है उनको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, और बीमार से छुटकारा पा करके वो एक नॉर्मल साधारण जीवन जी सकते हैं। तो कई तरह का डॉक्टर लोगों की ज़रूरत है, तो ये सब हमारी जनता को जरूरत है जो पूरा करेंगे समर्पित भावना को लेकर।